तो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड देखिएगा, आपका जो रिजल्ट है उस वीडियो में देखने वाले हैं रिजल्ट कब तक आएगा और इस रिजल्ट की डेट जो है वो जानेंगे, क्या रिजल्ट 20 जनवरी तक आएगा या इससे पहले आएगा। फ्रेंड्स, ऑफिशियल कन्फर्म है ये न्यूज़ या नहीं है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और आपका रिजल्ट जो है कन्फर्म डेट आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पुराने रिजल्ट जो है हरियाणा ग्रुप डी के छोड़कर बाकी जितने पुराने रिजल्ट थे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने देने चालू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले एक रिजल्ट भी आया था, कल या परसों आया था एक रिजल्ट। ओके, और फ्रेंड बता दूं, अब जो है सारे रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, जिससे क्या है आपका ग्रुप डी का रिजल्ट भी जो है वो आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अनअकैडमी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं धर्मेंद्र करारे और मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जीके जीएस और आरआरबी ईएलपी और जेई के लिए वहाँ पर कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर है, तो उन सभी की वीडियोज़ के लिए आप ऑनलाइन फ्री स्टडी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। प्लस उन सभी वीडियोज़ की आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस वहाँ से अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ उससे पहले बोलता हूँ कि आप टॉप 500 प्लस जीके जीएस कोर्स में से जो वीडियोस हैं उनकी कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ और आपको जो हम नोटिफिकेशन के साथ साथ हम पढ़ते भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए इस वीडियो के, तो आप जो 25 प्रीवियस इससे प्रीवियस वीडियो है उससे क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह में बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि। बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या विशेष स्थिति से संबंधित है। 370, 300, 110, 248। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, मुझे बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रेल मंत्री बताना है कौन है। पीयूष गोयल हैं, सुरेश प्रभु हैं, जगत प्रकाश नड्डा है या रविशंकर प्रसाद हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पीयूष गोयल। और अभी अध्यक्ष चेंज करने के लिए बात करी जा रही है कि अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, तो जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन एक मिला था, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है, तभी कन्फर्म होगा कि अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29, सरिस्का नेशनल पार्क बताना निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में स्थित है। असम में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राजस्थान, तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30, राजा भोज हवाई अड्डा बताना है भारत के शहर में या मध्य प्रदेश के शहर में, ये बताइएगा। इंदौर में है, कोझिकोड में है, भोपाल में है या देहरादून में। तो अगर आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से प्रदेश हैं, कौन कौन से इनमें से शहर हैं, तो देखिए इंदौर आता है, भोपाल आता है, तो आप आंसर बताइए क्या है। तो आंसर है भोपाल, जो कि एमपी की राजधानी है। ओके, कैस क्वेश्चन नंबर 31, चीन की संसद का नाम बताना है आपको। चीन की संसद का क्या नाम है, डाइट है, कांग्रेस है, नेशनल पीपल है या सीमांस है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 32, काइगा परमाणु संयंत्र आपको बताना है ये जो है कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में है, राजस्थान में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु या कर्नाटक, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बिधानतंगल क्या है। बिधानतंगल पक्षी अभ्यारण भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, तो ऑप्शन होगा आपका बी, तमिलनाडु। तो फ्रेंड चलेंगे ऑनलाइन और देखेंगे क्या न्यूज़ आई है, क्या कन्फर्म न्यूज़ है या नहीं है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं और ये देखिए ये वेबसाइट है indiantimes.com। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हो HSSC ग्रुप डी रिजल्ट 2018, जाने ग्रुप डी रिजल्ट कब हो सकता है घोषित या जारी। तो यहाँ पर देखिए और भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। HSC
एग्ज़ाम आयोजन पिछले माह हुआ और 18,218 पदों पर भर्ती होनी है, और 7 दिसंबर को इसकी आंसर कीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है। फ्रेंड बता दो कि आंसर कीज़ के लिए ऑब्जेक्शन था, उसके लिए जो मतलब जो लेटर आया था वो आपको एक दिन पहले एक दिन बाद ही आया था, मतलब कि जो आंसर कीज़ आने के वो ऑब्जेक्शन आपको ऑब्जेक्शन करना था उससे पहले ही आ गया था, मतलब उन्हें ऐसा काम किया कि जो हम ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाए। ओके, तो अब जो उम्मीद जारी की जा रही है कि जो 20 जनवरी से पहले आपके नतीजे यानी कि जो रिजल्ट है वो घोषित कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट जो है आ सकता है। ओके, 20 जनवरी से पहले भी आ सकता है, 20 जनवरी के बाद भी आ सकता है आपका रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट पर 7 दिसंबर को ग्रुप बी की एग्जाम की आंसर की जारी की गई थी। जल्दी अब जल्दी क्या इसका रिजल्ट घोषित होने होने की उम्मीद है। पिछले महीने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि ग्रुप डी का एग्जाम रिजल्ट को 1 महीने के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले ग्रुप डी का एग्जाम का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है कब कब आपका एग्जाम था। तो देखिए पहले बैच का जो एग्जाम था वो 10-11 नवंबर को, तो दूसरे बैच का था 17-18 को। ओके, इस रिजल्ट के बाद हरियाणा 20,000 और पदों पर भर्ती होनी है, इसकी घोषणा भी पिछले महीने मनोहर लाल खट्टर ने की थी। तो 20,000 पदों की जो घोषणा है ऑलरेडी हो चुकी है, जो मैंने आपसे बोला था। तो आप पढ़ना बंद मत करिएगा फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, और जो एग्जाम है वो आने वाले हैं। तो फ्रेंड आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर आकर देख सकते हैं। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुलशी बांध बताना है आपको भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30-35 देखेंगे, सर एडमंड क्या है, सर एडमंड हिलैरी जो है किस वर्ष में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचे, 1952, 1953, 1954, 1955। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1953। क्वेश्चन नंबर 36 मानव अधिकार दिवस बताना है आपको कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 को, 24 फरवरी को, 15 मई को या 21 जुलाई को। 10 दिसंबर, 24 फरवरी, 15 मई या 21 जुलाई। तो आंसर है मानवाधिकार जो है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में, बेंगलोर में, नासिक में, नागपुर या पुणे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हवाई अड्डा है, तो फ्रेंड बताइएगा क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 38 स्पेन की संसद का क्या नाम है, रिकेट्स कांग्रेस, एडुसुक्ता या कॉटेस। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉटेस। जो पार्लियामेंट है कहाँ की, स्पेन की, उसका नाम है कॉटेस। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, कुआलालंपुर में है, माले में है या मनीला में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनीला। क्वेश्चन नंबर 40 मुगल राजवंश के अंतिम शासक बताना है आपको, बाबर, हुमायूं, अकबर या बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा क्या आंसर है, आपने पढ़ा होगा जीके में जरूर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर जो है लास्ट शासक थे। ओके, किस राज्य में अधिकतम शहर है, तो ये तो आप बहुत सिंपल से बता सकते हैं, अधिकतम शहर होते हैं उत्तर प्रदेश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय या कहाँ पर है यानी कि नेशनल म्यूजियम कहाँ है, पुणे में, मुंबई में, लखनऊ में या नई दिल्ली में। तो आंसर है ऑब्वियसली नई दिल्ली, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला और जो कि अभिनेत्री थी, बताइए कौन है, नरगिस दत्त, जया दत्त, हेमा मालिनी या जया बच्चन। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। ओके, क्वेश्चन 44 आपको बताना है, पोलियो टीका जो विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी देखिए ध्यान से, जॉन जॉन्स साल्क इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने में मुख्य रूप से कौन सा खनिज जो है पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, चूना पत्थर और डोलेमाइट, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं 47 देखेंगे, 47 क्या है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया, स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने
रिजाइन किया। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को काट दीजिए क्योंकि ये इलिमिनेट कर देते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये इन इलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, तो 48 बता रहा है हमें, पूछ रहा है पुणे की, पूना की जो लड़ाई हुई थी इसमें बाजीराव द्वितीय द्वारा निम्नलिखित में से किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, संधि हुई। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, भीषण की संधि पर हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पहले रियासत वाले राज्य का नाम दें जो जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिद्धांत के विलंब की शर्तों के तहत अपना लिया था। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सतारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है। देखिए सत्याग्रह अहिंसा प्रतिरोध का एक विशेष रूप है जिसे किस प्रकार अभिव्यक्ति मिलती है, तो किस प्रकार अभिव्यक्ति मिलती है, तो उसमें हो क्या रहा था, उसमें हो रहा था नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, जो वीडियो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया, अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो वीडियो की प्लेलिस्ट या फिर जो ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक बेल का आइकन, नीचे एक सब्सक्रिप्शन रेड बटन दिखा रहा होगा तो उसे दबा दीजिए, उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे ही दबाइएगा जिससे कि जितनी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए और वीडियोस को आप देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।